मेरा कहना है कि देखिए, ये सब बकवास, लड़ाई झगड़ा, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। जो चीज सच्चाई है वो दुनिया में सच्चाई दिखाई दे रही है। क्या सच्चाई है? आज मैं 75 साल का हूँ। हाँ। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी वोटर कार्ड नहीं बनवाया। वोटर कार्ड नहीं बनवाया? कोई सरकार ही ऐसी नहीं आई जो हिंदुस्तान का भविष्य बना सके। और पहली सरकार आई जिसने कुछ करके दिखाया, सबसे पहला मैं था कि मैंने वोटर कार्ड। जीवन में पहली बार वोट दिया, वो भी मोदी को। जी हाँ। और मैं आपको ये भी लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर के ऊपर, मैं तो थोड़े साल का हूँ। भगवान करे कि लंबी आयु हो। चलो लंबी आयु हो तो मेरी आपसे मुलाकात होगी, तो आप देखिएगा, तब भी आपको मोदी जी का ही नाम। अच्छा भाई देखो, मैं बताता हूँ, काम की जरूरत नहीं है। दिक्कत ये है कि इस देश में ना विपक्ष मजबूत नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन मेक्स द कंट्री मोस्ट डेवलप्ड। ठीक है, हमारे पास विपक्ष नहीं है। जब तक विपक्ष अच्छा नहीं होगा, तब तक मोदी जी और भाजपा का ही कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनेगा। 2024 में मोदी जी, 29 के लिए चेहरे सुन लो अभी से, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, तीनों मुख्यमंत्री रहे अलग अलग प्रदेशों के। तीनों को राज्य चलाना आता है, और जो राज्य चलाना जानता है वो देश चलाना जानता है। सच्चाई इस बात में कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तब तक मोदी जी ही रहेंगे इस देश में। और मैं खुद विपक्ष को सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद समाजवादी वाला हूँ। समाजवादी वाले? हाँ, पर भाई सच्चाई यही है कि जब तक चेहरा नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। और भाई एक चीज़ और समझ लो कि ये जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। पर हाँ, दिन गलत है। हमारे चार शंकराचार्यों ने कहा है कि जब तक पूरा मंदिर ना बने। अरे साहब, उन्होंने तो हाँ कर दिया, आपने कल की न्यूज़ नहीं सुनी शायद। अब भाई किसी की गर्दन पे तुम तलवार धर दो पीठ पीछे, तो वो तो हाँ करेगा। जान तो सबको प्यारी है, तुम्हें क्या पता। जो अपने गोवर्धन मठ के जो शंकराचार्य हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनकी गवाही ली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। हम वकील हैं, एडवोकेट्स हैं हम, उनकी गवाही ली गई थी। उनका बयान सुना है आपने? उन्होंने कहा था कि जब तक मंदिर ना बन जाए पूरा, तब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। उसका एक रीज़न है, मैं पार्टी गलत नहीं कर रहा, उसका एक रीज़न है। जब भगवान गर्भगृह में बैठते हैं ना, उसके बाद मंदिर पर चढ़ना पाप होता है। भगवान की मूर्ति के ऊपर कदम रखे जाते हैं, वो पाप है। देखो हम ही धर्म के हैं। अच्छा, आप समाजवादी कहा अपने अपने आप को, कि समाजवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो अभी स्वामी स्वामी प्रसाद मौर्य, सुनिए, जी ने हिंदू राष्ट्र की बात करी है, समाजवादी उसे सपोर्ट करते हैं। शंकराचार्य जी ने कहा मलेच्छों को बाहर निकालो जो इनके वोट बैंक है। सुनिए भाई साहब, नीचे आ जाइए, वकील साहब नीचे आ जाइए, बैठ के बढ़िया लग रहा है वकील साहब, बढ़िया मजा आ रहा हूँ। वकील साहब एक बात बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, वो सुनिए, पहले सवाल तो सुन लीजिए, जवाब देना आपका हक है। आप जवाब देंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि जो मुलायम सिंह ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। आपका सवाल समझ गया। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है राज्य चलाना, एक होता है राजनीति करना। ठीक है, चाणक्य ने एक राजा का टेस्ट हुआ था, थोड़ी लंबी बात है, तो उनके दो शिष्य थे, एक तो थे चंद्रगुप्त और दूसरे थे जिससे जिसकी गर्दन काटी थी चंद्रगुप्त, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उनको टेस्ट दिया था, एक माला दी थी कि माला अपने गले में बांध लो और आज मैं माला तोड़ के लाना, ना गर्दन ना माला टूटे, ना आदमी को पता लगे। ठीक है, ना आदमी को पता लगे, ना माला टूटे, और बिल्कुल माले से जुड़ी, गर्दन से जुड़ी हुई माला थी, कैसे ला सकता था चंद्रगुप्त? पहले माला चंद्रगुप्त ने पहनी, दूसरा जो शिष्य था वो नहीं ला पाया। फिर चंद्रगुप्त से कही गई कि माला लेके आओ, चंद्रगुप्त ने सीधे गर्दन काटी, माला भी टूटी नहीं, आदमी को भी पता लगा नहीं। कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि राजनीति, जब आप एक पद पर, जब आप एक पद पर बैठते हो ना, तो राज्य को संभालने के लिए कितनी बार ऐसा होता है कि सरकार को डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। और मैं इस डिसीजन के सपोर्ट में नहीं हूँ, जो गोलियां चलाई उसके मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, पर राजनीतिक को छोड़ के अगर आप वो देखें कि सरकार ने जो काम किया था उस समय, वो देश में उस समय, वो प्रदेश में अपनी डिसिप्लिन और पीस को बनाने के लिए। तरफ तो कल्याण सिंह जी भी थे, उन्होंने कहा सत्ता जाए जाए लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। अब यही बात है कि भैया देखो कहाँ चलाई कल्याण सिंह जी ने, कहाँ चलाई साहब? हाँ सॉरी मुलायम सिंह। हाँ अब मेरे घर पे क्यों चढ़ेगा भैया, कार्ड है आधार कार्ड हिंदू वालों। देखो जी, देखो विचारधारा किसी पार्टी की फॉलो नहीं करनी चाहिए, विचारधारा करनी चाहिए एक व्यक्ति की फॉलो, जो काम कर रहा है उसको वोट दो। कौन कर रहा है काम? मैं क्या कह रहा हूँ,
आप अपना कैंडिडेट देखो ना, एमपी कौन है, एमएलए कौन है। हमने ये थोड़ी कहा कि तुम बीजेपी को वोट दो भैया, मैंने आपसे भी बोला बीजेपी, आपका मत पर्सनल मत तो हो सकता ना, मेरा पर्सनल मत, पर्सनल मत तो हो सकता है। उस कैंडिडेट को होगा जो इस टाइम मेरे शहर में खड़ा होगा और जिसकी हिस्ट्री अच्छी होगी पॉलिटिकली, क्रिमिनल नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा और उसने काम किया किसी पार्टी के सिंबल पे तो होगा वो। नहीं मैं, अरे मेरा नहीं है भाई, मैंने अभी पार्टी मेरे लिए जरूरी नहीं है भाई, पार्टी जरूरी नहीं है। अरे मैं क्या बोलोगे, कौन आजम खान बढ़िया करा कि हमारा कैंडिडेट ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा होगा, कोई क्रिमिनल नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी में मैं, सुनो समाजवादी पार्टी में मैं गिनाता हूँ, आजम खान हो गया। मैं कह रहा हूँ तुम भाई जेल में फांसी करवा दो, मेरे घर का थोड़ी है भाई, 70% सुनिए, आजम खान को 85% से ज्यादा विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी में अपराधी है या किसी लूटमार में पड़े हुए, सुनिए समाज, सुनिए वही समाजवादी पार्टी है जिसके राज में उत्तर प्रदेश में 84 दंगे होते, उन 5 साल के अंदर अंदर योगी की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ, आप बताओ क्यों भाई साहब। कती कैड़ा कर रखा उत्तर प्रदेश, कती कैड़ा कर रखा इसमें ले, पूरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले कह रहा हूँ। अच्छा 24 का, 24 का निर्णय बताओ, 24 में किसके तरफ पर सेंट्रल, हाँ सेंट्रल, सेंट्रल मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, बिल्कुल काम हुए कुछ मोदी सरकार में, मोदी की सरकार में कुछ काम हुए, अरे काम की बात है ही नहीं, बात हिंदुत्व की है वो पूरी तरीके से निभा रहे हैं, 390 है जो उन्होंने वादे करे वो पूरे हो गए, और क्या चाहिए जनता को, धर्म के नाम पर वोट दोगे या विकास के नाम पर वोट दोगे, तो आज की जनता धर्म के नाम पर वोट दे रही है ना, भाई विकास के नाम पे देंगे, मैं दोस्त का चल, नहीं 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 क्या नाम है साहब, अरे अमित, अमित अमित कहाँ से है अमित जी, मैं यूपी से, यूपी से जी, क्या कहेंगे क्या माहौल लग रहा है 2024 में, 2024 मोदी जी आ रहे हैं, क्या किया मोदी जी ने, अरे क्या नहीं किया है, चार पांच काम किए मोदी जी, तो चार पांच काम क्या है अभी देख लो, आपका सारा विकास देख लो, कोई सा भी देख लो, विकास हुआ तो याद भी होंगे ना, गिनवा दीजिए, गिनवा दो यार, 370 देख लो, राम मंदिर देख लो, आप 3 तलाक देख लो, नमस्कार सर, क्या कहेंगे क्या लग रहा है 2024 में, इस बार 2024 में और इसके बाद 2030 तक मोदी, मतलब मोदी उसके काम जमीन से लेके आसमान तक, डिफेंस सिस्टम से लेके, और जो आप लोग कहते हैं ना मंदिर से क्या, मंदिर से क्या, मंदिर से जो विदेशी पर्यटन है देश के लोगों की जो भी चीजें हैं वो तो है ही, प्लस फॉरेन से भी, बिल्कुल बिल्कुल फॉरेन से भी लोग आएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे एक अच्छा विद्यालय बनना चाहिए था, एक अच्छा हॉस्पिटल बनना है, तो यादव हम कमेंट नहीं करेंगे, वो उनकी अपनी सोच है, अपने यहाँ कितना बनाए हैं विद्यालय, अपने यहाँ अपने राज्य में कितना विद्यालय बनाए आप बताइए, बड़ा सवाल बताइए आप, कितना विद्यालय उन्होंने बनाया, तो अब एक सवाल ये भी तो है, लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर बनने से देश की जीडीपी में क्या योगदान होगा, जरा बताओ, क्यों नहीं, आपका पर्यटक जो बाहर से आएंगे वो बाहर का पैसा आपके देश में आ रहा है, वो पैसा कहाँ जाएगा, 500 साल से जो प्रशांत, और इस 500 साल और आपका जो 376 ये धारा खत्म हुआ, 3 तलाक खत्म, 70 खत्म हुआ, 370 हटने से क्या लाभ हुआ, क्या नहीं लाभ हुआ, आप ये बताइए, ऑन कैमरा बताइए, आप वहाँ जा रहे हो, आप कल के डेट में वहाँ जाते थे, वहाँ आप रुकने पाते थे, 370 हटने से भैया आप वहाँ पैर रख रहे हैं, भैया ने प्लॉट खरीद लिया कश्मीर में, 370 हटने से ही फायदा हुआ है, भैया ने प्लॉट ले लिया, पूछो आपने लिया, नहीं मैंने ले लिया, फायदा ही नहीं हुआ, लेकिन भैया को हुआ, भैया से पूछो आप, क्यों नहीं, भैया ने प्लॉट ले लिया, वो कह रहे पत्थरबाजी कम हुई है, पत्थरबाजी कहाँ नहीं होती है, कौन नहीं करता है बताओ, जम्मू कश्मीर में पहले जगह होती है, सब जगह होती है मेरे भाई, सब जगह होती है, सब जगह होती है, यूपी में हो रही है, यूपी में क्यों होगी, सब जगह यूपी में, नहीं बताओ अब मुझे बताओ, 370 से क्या पत्थरबाजी कहाँ पे होती है, होती कहाँ पे पत्थरबाजी, अब बताओ, देश में सुनिए सुनिए रोजगार मिला है, सुनिए 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 रोजगार भैया प्यार मिलता है, भाई साहब साइड हो जाइए, रोजगार के आगे आइए, आगे आ जाइए, अंकल जी एक मिनट, अंकल जी की सुनिए, अंकल जी की सुनिए, मेरा कहना है कि देखिए ये सब बकवास, लड़ाई झगड़ा ये सब करने से कोई फायदा नहीं, जो चीज सच्चाई है वो दुनिया में सच्चाई दिखाई दे रही है, क्या सच्चाई है, आप इतने सालों से देख रहे हैं, कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, संजय गांधी आए, आज मैं 75 साल का हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी वोटर कार्ड नहीं बनवाया, वोटर कार्ड नहीं बनवाए, कोई सरकार ही ऐसी नहीं आई जो हिंदुस्तान का भविष्य बना सके, और पहली सरकार आई जिसने कुछ करके दिखाया, सबसे पहला मैं था कि मैंने वोटर कार्ड, जय श्री राम।
जीवन में पहली बार वोट दिया वो भी मोदी को। जी हाँ, और मैं आपको ये भी लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर के ऊपर, जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक हिंदुस्तान के लोग हैं, मोदी सरकार ही रहेगी। ये मेरा चैलेंज है, कोई सरकार नहीं आ सकती है। और जितनी भी ये पब्लिक सिटी और पब्लिक में जितने भाषण होते हैं अपोजिशन वाले करते हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं। पहले वो देखें कि आखिर चीज क्या। लोग कहते हैं पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो दुनिया में तो छाक के देखता नहीं है क्या करे, उसके बाद इतना टाइम नहीं है। अरे मोदी दुनिया दुनिया घूम रहे हैं, देश को नहीं देख रहे। मोदी अगर मोदी दुनिया नहीं घूम रहा होता, मोदी दुनिया नहीं घूम रहा होता तो आज हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे नहीं होता। हिंदुस्तान पहले जीरो पे था, जीरो पे। आज 10 लाख का सूट पहनते हैं मोदी। हम कहते हैं 10 लाख का क्या, 50 लाख का। एक पैसा अपने ऊपर खर्च करता है, एक पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ से जो उनको खर्चा होता है वो खर्चा करते हैं। आज आज मेरा चैलेंज है, मैं भी यही हूँ, आप भी यहाँ हैं। मैं तो थोड़े साल का हूँ, भगवान करे कि लंबी आयु हो। चलो लंबी आयु हो तो मेरी आपसे मुलाकात होगी तो आप देखिएगा, तब भी आपको मोदी जी का ही नाम। अच्छा बाबूजी, आखिरी सवाल आपसे, सुनिए सुनिए बड़े भैया सुनिए, आखिरी सवाल। आपने अपनी उम्र 75 साल की उम्र बताई, आपने लगभग 20 साल से तो सरकारें देखी होंगी, तो 50-60 साल का आपको सरकारों का अनुभव होगा। तो पिछले 60-70 साल जो कांग्रेस का राज रहा, अन्य पार्टियों का राज रहा, और जो ये मोदी जी के और अटल बिहारी वाजपेयी जी के 15 साल लगाए, तो आप तुलनात्मक करें तो किसका फायदा रहा, कौन सी सरकार बेहतर रही? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए इंदिरा गांधी आई, उनका तो मर्डर हो गया। उन्होंने गलत वो किया था मुसलमानों के अगेंस्ट में, सरदारों ने उनका मर्डर कर दिया। सही किया था, कोई गलत नहीं था। उसके बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी पायलट थे, सरकार तो कभी चलाई नहीं थी। सरकार चलाते पायलट चला, हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते खुद को उड़ा बैठे। हाँ, फिर उसके बाद संजय गांधी आए, संजय गांधी ने कभी हवाई जहाज नहीं उड़ाया। सरकार चला रहे थे ठीक था, मगर सरकार चलाते चलाते खुद को उड़ा बैठे। फिर धन्यवाद आई उनकी पुत्री, क्या नाम था इनका, प्रियंका गांधी। सही निर्णय लेना है तो प्रियंका गांधी नहीं, सोनिया गांधी तो वाइफ थी ना राजीव गांधी, तो वाइफ थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी तो सदाची की चमची थी। सदाची समझ गए आप, मनमोहन सिंह को कह रहे हैं। हाँ हाँ, और मनमोहन सिंह उनके उल्लू वो कठपुतली थे, जो वो कहती थी वैसा वो करते थे, उनकी तो अकल थी नहीं। फिर उसके बाद आए आपके ये और से भी बात कर लेते हैं। गांधी के सुपुत्र जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स देखी नहीं, कभी देश की भलाई की नहीं बस, और आज अभी आखिरी इलेक्शन में उनको एक वोट मिला खाली। पूरी हिंदुस्तान में आज कांग्रेस के पास कितने वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कितने वोट? ठीक है भाऊजी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या नाम होगा? विवेक सिंह। कहाँ से है विवेक जी? आजमगढ़ यूपी से जी। क्या कहेंगे, तमाम राजनीतिक बयानों का दौर जारी है, 2024 वर्ष का आगाज हो चुका जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ जी। देश का सबसे बड़ा चुनाव आपके दहलीज पर खड़ा है, लोकसभा का चुनाव, क्या माहौल लग रहा है इसका? माहौल आपको इससे बड़ा एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं मिल सकता, जो अभी दादाजी ने आपको बताया, इससे बड़ा एक्सपीरियंस और इससे बड़ा प्रमाण आपको कोई नहीं दे सकता था। आप भले भीड़ से पूछ लें, लौंडों से पूछ लें, मेरे जैसे उम्र के लोगों से पूछ लें, लेकिन अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, पहली बार वोट किया 75 साल की उम्र में। अब इससे बड़ा प्रमाण आपकी टीवी चैनल को और ना समाज को कोई नहीं दे सकता है। क्या कहेंगे, 2024 का सबसे बड़ा चुनाव आपकी दहलीज पर खड़ा है, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, कांग्रेस तो कुछ किया नहीं, सियाचिन को 38,000 हेक्टर जमीन दे दिया। त्यागी जी पार्लियामेंट में बोले थे, नेहरू जी उस टाइम में बोले कि यहाँ बंजर जमीन में घास भी नहीं आता है, तो इसलिए मैंने चाइना को दे दिया। त्यागी जी पार्लियामेंट में उस टाइम में बोले थे, उसका बाल नहीं था सर में, उन्होंने बोले थे मेरा सर में बाल नहीं है तो मैं सर कटा दूँ क्या? वन थिंग। सेकेंड थिंग, कश्मीर हमारा इंटरनल अफेयर्स था, नेहरू जी ने इसको UN में ले गए, इसको परिणाम हवा में भुगत रहे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, वो चाइना का हरदम कठपुतली बन के रहा, जो इसका जो चाइना का जो काम करते रहे, तो वो भी मुद्दा क्या है?
कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी में ये बोल रहा हूँ, जो भी रिफॉर्मेशन हुआ सड़कों का हुआ, आप बॉर्डर का देखिए कितना सड़कें हो रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी से चल रहा था, मोदी जी इसको कर रहे हैं, देख मेक इन इंडिया हो रहा है, हम आत्मनिर्भर हो रहा है, ठीक है, हमारे डीआरडीओ में देखिए कितना हम मिसाइल ये वगैरह सब हम किए, सब हम कर रहे हैं ना। कांग्रेस ने क्या किया था? डीआरडीओ भी तो कांग्रेस ने बनाया होगा, बनाया होगा, इधर देखो वो तो बनाया होगा, विकसित क्या किए हैं, क्या विकसित किए हैं, हम तो मून में चले गए, अच्छा भी लैंडिंग कर लिए, हम मार्स का मिशन भी चल रहा है, कांग्रेस ने क्या किया था? देश को कुछ नहीं दिया। जो कांग्रेस ने किया वो मोदी बेग क्या किया था? ट्रिपल तलाक कांग्रेस ने कर पाया? नहीं कर पाया। 370 कर पाया? नहीं कर पाया। 370 पे बात करें तो लाभ क्या हुआ 370? देखिए वहाँ की जनता से कश्मीर में जाके पूछिए क्या लाभ मिल रहा है। 300 वहाँ की जनता जो यूथ है ना, देखिए 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 370 हटाने से पहले पेन से पहले 370 जो था वो बोलते हैं कश्मीर हमारा स्पेशल कैडर है, वो कुछ करने नहीं देते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। अभी देखिए 370 हटा दिया, इसको यूनियन टेरिटरी कर दिया, कोई जो वहाँ जो जो सरकार था वो अपनी हित में लगे हुए थे। मोदी जी भी तो गठबंधन में थे मुफ्ती के साथ, गठबंधन में थे लेकिन फायदा तो हो रहा था, फायदा हुआ था। क्या फायदा हुआ? क्यों बताइए, आप बताइए देश को क्या फायदा हुआ? देश को अटल जी भी थे, एक वोट के लिए उन्होंने सरकार गिरा दी और बड़े गर्व से कहा कि जिस दिन हम लौटेंगे ना पूरा भारत बदल देंगे, वैसी सरकार होनी चाहिए। पहले गठबंधन का, सब गठबंधन करें, मैं किसी राजनीति का विरोध नहीं करता, आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति करने से किसी का अहित ना हो, किसी जनता का समाज का अहित ना हो, इस तरीके से काम करना चाहिए जैसा अटल जी ने किया था। जैसा काम अटल जी ने किया था ऐसे ही काम मोदी जी। आप पहले बोले कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं, जब पंडित नेहरू का नेहरू जी सत्ता में थे तब उन्होंने गांधी के साथ मिलकर कश्मीर को दे दिया, LOC को चाइना को दे दिया, इधर ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश को दे दिया। तो उस समय भरी सभा में नागार्जुन एक थे, कविता, उन्होंने कविता लिखी थी, पंडित बेचकर वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पे झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। तो मोदी जी देश नहीं बेच रहे हैं, ठीक, उनके तरह देश नहीं बेच रहे कि पाकिस्तान को ये दे दिया, कश्मीर दे दिया, LOC में कश्मीर दे दिया, ईस्ट बंगाल दे दिया बांग्लादेश को। अच्छे कवि लगते हैं, कवि कविता मोदी जी के नाम पे कहना चाहते हैं। इधर ही आप उल्टा बोलते हैं। हां भाई साहब बोलिए, अगर आप कुछ कह सकते हैं। क्या नाम है? विजय शर्मा। हां शर्मा जी क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया देश के अंदर, साला देश ही बर्बाद किया है। और जो इटली से ये जो राहुल गांधी गया था, ये राजीव गांधी गया था वहाँ पढ़ने के लिए इटली में, तो वहाँ पे वो जो बियर बार में ये बियर पीने जाता था, तो वहाँ पे जो ये सोनिया गांधी डांस करती थी, बोले 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 सोनिया गांधी डांस करती थी, ये डांसर से शादी करके लाया और ये डांसर का जो लड़का है राहुल गांधी, ठीक है, तो ये राहुल गांधी अब देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सपना देख रहा है भग राहुल गांधी, तू देश का प्रधानमंत्री क्या, चौकीदार भी नहीं बन सकता।